रैली निकल रही है तिरंगा यात्रा की, और हमारे साथ रानु प्रताप राणा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था उसको कहां तक ले जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खेलनीति चैनल पर। कहां से यात्रा निकल रही है और इसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले खेल नीति के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई और मेरा नमस्कार। ये 75 आजादी का 75 वर्ष तो हुआ है, उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पूरे देशवासी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और इसमें कोई दल की सीमा नहीं है, सारे दल वाले जुड़े हैं, सारे लोग जुड़े हैं, सब लोग एकजुट होकर साथ में। लगभग यहाँ 1500 की बाइक की संख्या थी, लगातार सब लोग फ्लोरिया से होते हुए माहौल नगर भ्रमण किए हैं, और लोगों के अंदर एक सकारात्मक भावना पैदा हुई है भी कि हम देशवासी, हमारा दल भले अलग हो लेकिन देश के प्रति हमारा दिल एक है, एकता एक रहेगा। हम सभी देशवासी एकत्रित होके अपने देश के प्रति, क्योंकि लगातार घर घर जाके तिरंगा यात्रा लगाना जो हमारे पार्टी द्वारा कार्यक्रम मिला है, सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये कब से आप लोग करेंगे, घर घर जाके तिरंगा कब से दे रहे हैं? ये 12 तारीख से अभियान शुरू होगा, ठीक है, 12 तारीख। हाँ, और इसके बाद ये अभियान लगभग 15 तारीख से चलेगा, और सरकार के अनेक नीतियों को लेकर भी हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लेकिन इसमें केवल तिरंगा संबंधित ही कार्य चल रहा है। अभी यहाँ पे खत्म कर रहे हैं या फिर आगे भी रैली इसकी जारी रहेगी? आज देखिए, रैली तो लगातार अभी 15 तक चलती रहेगी, क्योंकि युवाओं, अलग अलग दायित्व दिया गया है सबको। आज हमारे मंडल अध्यक्ष गौरव सिंह जी के नेतृत्व में माहौल मंडल का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। अभी फूलपुर मंडल में भी होना है, पौई मंडल में भी चल रहा है, और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जैसे कि धनेश्वर पांडे हैं, विमलेश पांडे हैं, दिलीप सिंह बघेल जी जिला मंत्री जी हैं, अमित सिंह जी हैं, और हमारे पंकज मोहन सोनकर जी हैं, आप भी आइए। और लोग लगातार लगे हुए हैं और कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं, और सारे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। जिला मंत्री दिलीप सिंह बघेल जी से बात करते हैं। जी दिलीप जी, क्या आप मोटो लेके चल रहे हैं, उद्देश्य लेके क्या चल रहे हैं आज का? आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, जैसा कि आप देख रहे हैं, देश की प्रधानमंत्री सबसे गरीब पिछड़ी समाज की महिला, अनुसूचित समाज की महिला हुई है, और इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पूरे देश में अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। आज हम लोग बाइक के माध्यम से निकले हैं माहौल के बाद, अभी फूलपुर में भी शुरू होगा कार्यक्रम, इसके बाद हम लोग पद यात्रा के माध्यम से लोगों को जन जागरूक करेंगे अपने देश के शहीदों के लिए कि समर्पण करिए आप लोग शहीदों का नाम, एक दिन तो साल में 26 जनवरी और 15 अगस्त को जरूर लीजिए, और अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाइए। ये हमें जन जागरूकता फैला के सबको अपने देश के प्रति सजग करना है, यही आज का हमारा संदेश है प्रधानमंत्री जी का। और भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, सब पार्टियां इसको फॉलो कर रही हैं, और हर पार्टियां हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे चल रही हैं सभी पार्टियां। ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं। बस मेरा सवाल यही था कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सुनने में आ रहा कि सपा की रैली तिरंगा की निकल रही है या बीजेपी की निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप किसी पार्टी का बैनर तले देखे हैं कार्यक्रम, सपा का आपको लगता हो चाहे कांग्रेस का लगता हो, क्योंकि देश की बात में सबको एक साथ होना बहुत जरूरी। जी जी, हम देश के साथ खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, उसमें पार्टी की कोई बात नहीं है, मजाक की कोई बात नहीं है, हर पार्टी के लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए। पंकज जी, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही सराहनीय कदम है कि हर घर तिरंगा, और हर घर तिरंगा का अभियान आप शायद आज माहौल से शुरू कर रहे हैं। माहौल में तो लेट हो रहा है, अन्य जगह पे लालगंज में, कौड़िया में, पूरे भारत वर्ष में, तो मैं आपको आजमगढ़ जिले की बात बता रहा हूँ, पूरे भारत वर्ष में बहुत हर्षोल्लास के साथ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाया गया है, और इसके लिए भारत का हर व्यक्ति, एक एक व्यक्ति, न जाति पात, न धर्म, समुदाय, कुछ न देखते हुए अपने घर का तिरंगा लगाएगा और भारत के गौरव को और ऊंचा करने का काम करेगा। सर, तिरंगा यात्रा अभी स्थगित नहीं की जाएगी, फिर आज के लिए माहौल से आगे कहीं आप लोग जा रहे हैं? अभी बाइक तिरंगा यात्रा यहाँ पर माहौल बाजार, फुलवरिया से माहौल बाजार थी, इसके बाद फूलपुर में पदयात्रा है, उसके बाद निजामाबाद में फिर बाइक रैली है,
इस तरह से नित्य दिन जो है प्रतिदिन कोई ना कोई लोगों को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो झंडा अपने घर पे लगाएं, भारत के तिरंगे का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं, इसके लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। 13 तारीख से हर घर पे, 13 से 15 अगस्त तक हर घर पे झंडा आपको भारत अपना तिरंगा दिखाई देगा। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गौरव प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम चल रहा है। सर आपका तो बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जिस तरीके से तिरंगा यात्रा निकल रही है, तो थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे, आप सावधानी थोड़ा बरतें बाइक से चलने में। जी जैसे हमारा निवेदन है कि जो भी कार्यक्रम पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सबको जागरूक करें और आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो आज़ाद भारत के आज़ाद होने के बाद 75 वर्ष बाद अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं और हर घर तिरंगा लगाकर एक विश्व को अलग संदेश देने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अमृत महोत्सव आज़ादी के 75 साल होने पर अब देशवासियों में ये लहर दिख रही है और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं खेल नीति, मैं हूं नीरज, कैमरे के पीछे हैं श्याम।